हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो मैंने अपने कई सारे वीडियोस में क्ले से रिलेटेड क्राफ्ट बनाए हैं और आपको पता ही है कि मैं हमेशा होममेड क्ले का यूज़ करती हूँ। तो ये क्ले मैं कैसे बनाती हूँ, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है और मैंने वैसे बताया है लेकिन कभी डिटेल में बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस नहीं समझाया है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप घर पे क्ले बना सकें, वो भी बहुत कम पैसों में। और एक्चुअली बहुत ही इजी रेसिपी है, मतलब मैंने सिर्फ वॉल पुट्टी को यूज़ करके ही ये सारे DIYs बनाए हैं और 40-50 रुपीस पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाती है और इसमें आप बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पे वॉल पुट्टी और इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, फेविकॉल चाहिए, आप छोटा वाला डिब्बा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करनी है। इसके बाद लास्ट में हमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी या बेबी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वॉल पुट्टी में फेविकॉल को मिक्स करना है और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो फेविकॉल ना भी यूज़ करें, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना स्टार्ट करूंगी। एक बार में ही आपको ढेर सारा पानी नहीं मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको मिक्स करना है और पानी भी बहुत कम ही यूज़ होता है इसमें। तो इसे हमें पूरा गीला नहीं करना है, बस हमें इसकी थोड़ी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि जो इसका पाउडरी फॉर्म है वो ख़त्म होके इसमें लम्ब्स बनने लगे। मतलब कि जैसे ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, हमें कुछ इस तरीके का इसको बनाना है। तो जब इस तरह के लम्ब्स बनने लगे तो बस इसके बाद आपको पानी नहीं मिक्स करना है। अब इसी के बाद हमें इसको बाइंड करना है। तो बाइंड करने से पहले हाथों पे थोड़ा सा आपको ऑयल ले लेना है और उसके बाद आपको इसे अच्छे से हाथों से नीट करना है। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसको नीट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। अभी इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि ये बाइंड नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सूखा है, तो आप इसमें पानी मत मिक्स कीजिए, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ही मिक्स करिए, क्योंकि पानी आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये बाद में इसमें क्रैक्स आएंगे ड्राई होने के बाद। तो पानी की क्वांटिटी इसीलिए मैंने बहुत कम रखी है। और फिर सारे क्ले को एक साथ ले लीजिए, बट अभी इसे हमें यूज़ नहीं करना है, इसे पहले हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से नीट करेंगे। मतलब 2-3 मिनट आपको अच्छे से इसको नीट करना है ताकि ये जो हमारा क्ले है ये काफ़ी स्मूथ हो जाए। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये खींचेगी ज़्यादा और बीच से ब्रेक कम होगी, तो आप समझ जाइए कि अब आपने इसको अच्छे से रेडी कर लिया है। तो ये हमारी क्ले बिल्कुल रेडी हो गई है, अब आप इससे कुछ भी बनाएंगे तो ये इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं क्ले बनाती हूँ और अपने DIYs में इसको यूज़ करती हूँ। अब आपको इसे 2-3 घंटे के अंदर ही यूज़ कर लेना है, वरना फिर ये क्ले ड्राई होने लगेगा। और इसको आपको जितनी देर यूज़ करना है उतनी देर आप इसे किसी गीले कपड़े के अंदर रखिए, तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। और थोड़ा बहुत अगर ड्राई हो भी जाता है तो आपको फिर से इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके इसको एक बार और नीट कर लेना है, बट अगेन पानी मत मिक्स कीजिएगा। और उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ कीजिए, अच्छे अच्छे DIYs बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी आपकी इस तरह की क्वेरीज़ होती हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, उनका सलूशन मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू देती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते रहिए। और जो भी चीज़ें आप रिक्रिएट करते हैं उसे आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।